नमस्कार, मैं मोना शर्मा गुप्ता फिर हाजिर हुई हूँ आपसे बातें करने और हमारे गर्वनीय पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने। ये कहानियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि हर उम्र का व्यक्ति इनसे सीख पा सकता है। मानो जानवरों पर आधारित ये कहानियाँ हम इंसानों को इंसानियत का पाठ पढ़ा जाती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं, हमें शिक्षा देती हैं। आइए अब सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नाग और चींटियाँ। एक घने जंगल में एक बड़ा सा नाग रहता था। चिड़ियों के अंडे, मेंढक तथा छिपकलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतु को खाकर अपना पेट भरता था। रात भर वह भोजन की तलाश में रहता और दिन निकलने पर अपने बेल में जाकर सो जाता। धीरे धीरे वह मोटा होता गया। हालत ये हो गई कि वह इतना मोटा हो गया कि बेल से अंदर बाहर आना जाना भी दुर्लभ हो गया। आखिरकार उसने बेल को छोड़कर एक विशाल पेड़ के नीचे रहने की सोची, लेकिन वहीं पेड़ की जड़ में चींटियों का निवास था और उनके साथ रहना ना के लिए असंभव था। उसने चिड़ियों को डराने धमकाने का सोचा। वह चींटियों के पास गया और बोला, मैं सर्पराज नाग हूँ, इस जंगल का राजा। मैं तुम चींटियों को आदेश देता हूँ कि ये जगह छोड़कर चले जाओ। वहाँ और भी जानवर थे जो उस भयंकर सांप को देखकर डर गए और जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन चींटियों ने ना की इस धमकी पर कोई ध्यान न दिया। वह पहले की तरह अपने कामकाज में जुटी रही। नाग ने ये देखा तो उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गुस्से में भरकर चींटियों के पास जा पहुंचा, पर तब उसने क्या देखा, हजारों चींटियां एक साथ निकल पड़ी और नाग से लिपटकर उसके शरीर पर काटने लगी। उनके कटीले डंकों से परेशान नाग बिलबिलाने लगा। उसकी पीड़ा असहनीय हो चली थी और शरीर पर घाव होने लगे थे। नाग ने चींटियों को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। कुछ ही देर में उसने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। तो कैसी लगी आज की कहानी? हमें ये सीख मिली है कि बुद्धि से काम लेने पर शक्तिशाली शत्रु को भी परास्त किया जा सकता है। एक तो वह नाग था जो उस भ्रम में था कि वह अति शक्तिशाली है, जो कि वास्तव में था नहीं। बहुतों को अपनी ताकत पर अभिमान होता है, पर यदि वे ऐसा करते हैं तो वह उनके पतन की पहली निशानी होती है। और दूसरी ओर वो कमजोर मानी जाने वाली चींटियां, जिन्होंने अपनी एकता दिखाकर समस्या का समाधान निकाला, धैर्य और हिम्मत के कारण ही उनकी विजय संभव हो पाई। हम सबको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपनों में प्यार रखना चाहिए और एकता के साथ रहना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मोना शर्मा गुप्ता जाने की आज्ञा लेती हूँ। अगली बार तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।